महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के सदन की 19वीं बैठक शनिवार को एनेक्सी भवन के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने परंपरा के अनुसार महापौर से अनुमति लेने के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की। बैठक में एजेंडे के अनुसार प्रथम बिंदु सदन की 17वीं बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गई, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा सभी पार्षदों को निर्देशित किया गया कि निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पथ प्रकाश विभाग, जलकल विभाग, कर विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श के संबंध में अपने वार्ड से संबंधित समस्या हेतु सदन के समक्ष अपने विचार रखें। कार्यों में हो रही देरी के कारण सदन में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बैठक में नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद अजय राय, ब्रिजेश सिंह छोटू, जियाउल इस्लाम, कंचन लता सिंह, रणजय सिंह जुगनू, राजेश तिवारी, राजेंद्र तिवारी, आलोक सिंह विशेन, मोहम्मद अफरोज उर्फ गब्बर, संजय यादव, राधेश्याम रावत, देवेंद्र कुमार गौड़, पिंटू गौड़, मोहम्मद मतीनुद्दीन, संजय यादव सहित अन्य पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इस सदन में उपस्थित हमारे पार्षदगण के प्रतिनिधिगण, नगर निगम सदन की इस 19वीं बैठक में मैं नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर अपने समस्त अधिकारियों की टीम की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यवाही प्रारंभ करने की मैं इस सदन से किया माननीय महापौर जी से इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद सर। आज की जो ये बैठक है उसका जो एजेंडा है उसका पहला बिंदु है नगर निगम माननीय सदन की 17वीं बैठक दिनांक 6 मार्च 2021 की कार्रवाई की पुष्टि। माननीय सदन की 16वीं बैठक दिनांक 19 जनवरी 2021 में कार्यकारी समिति का निर्वाचन होने के कारण कोई अनुपालन अपेक्षित नहीं है। इस आज के एजेंडे की जो तीसरा बिंदु है कि निर्माण विभाग के कार्यों पर विचार विमर्श। और मतलब इस कोरोना में लड़ाई में हम सारे लोग लड़े हैं और हमने अपने साथी को खोया। तीन बिंदु माननीय महापौर जी है जो सभी माननीय पार्षदगण से संबंधित है। पहला तो ये है कि जिस प्रकार कोरोना वायरस रूप में तमाम अपने नगर निगम के कर्मचारी और तमाम विभागों को लोग लगे हुए थे, उसी प्रकार हमारे माननीय पार्षद भी कोरोना की लड़ाई में लगे हुए थे। तो हमने एक अपने साथी को खोया है, तो हमारा ये सुझाव है माननीय महापौर जी कि बीच में आपने नगर निगम कर्मचारियों का इंश्योरेंस बिजली का कराया था बैंक के माध्यम से या जैसे भी, तो हमारी ये इच्छा है कि 80 पार्षद जो माननीय पार्षद हैं उनका भी इंश्योरेंस होना चाहिए बिजली का। परीक्षण करवाकर उसको देखवा लूंगा और
बिल्कुल जरा भी गुंजाइश होगी तो निश्चित रूप से इसका पालन कराया जाएगा। जो कि कॉन्ट्रेक्टर से जुड़े हुए हैं, हमारे सामान्य ठेकेदारों से जुड़े हुए हैं, उनके जो पेमेंट की फाइल है 21 एकदम क्लियर है, चाहे वो 14 का हो, चाहे उसके पहले का हो, चाहे नगर निगम निधि का हो, सारे फाइलें वो क्लियर हैं। 20 की क्लियर है हमारे पास, एक सारी फाइलें मैंने कॉन्ट्रेक्टर साहब से मंगा रखा है। कुछ फाइलें हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, फाइलें 16 की हमने उनसे पहले भी कहा था, हमने कि जो हमारे से मिलने आए थे मैंने उनको एक बताया था कि पहले जो इधर काम चल रहे हैं जिनके पेमेंट हमें करने हैं 14 के, क्योंकि वो टाइम बाउंड पेमेंट, हमने उनके सारे पेमेंट को निकाला 14 तारीख वाले जितने थे और स्थापना के थे और नगर निगम निधि जो चल रहे हैं, लेकिन कुछ फाइलें निश्चित रूप से रखी हैं जिसकी लिस्ट हमारे पास है और मैंने उनको बता रखा है कि हम मन माई हम चलेंगे, एक साल हमारा एक क्लियर कर देंगे पूरा। हमने 19, 18, 17 ये हमने क्रम बना रखा। आपके यहाँ जब जब से आप आए आप अपने भुगतान की स्थिति देख लीजिए, जो दूसरे नगर आए थे उनकी भुगतान की स्थिति देख लीजिए, वर्तमान में होली से 2 दिन पहले भुगतान होता था, बाकी वो सब होली ना मना पाए, होली के 3 दिन बाद उनको पैसा मिलता, दीपावली में भुगतान होता था, दीपावली के अभी भी किसी कर्मचारी या अधिकारी का वेतन आते नगर निगम में नहीं मिला, लेकिन यही ठेकेदार आज तक कभी ठेकेदार अपना तैयार नहीं बना पाए, 3-3 साल से भुगतान नहीं हुआ, एक चीज मैं बताऊंगा आपको बड़ा क्लियर कि मैंने उस पर साइन कर दिया एकदम क्लियर है। दूसरी बात, हमने वसूली, हम लोग वसूली के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसी मेहनत की वजह से हम लोग फाइलों को तेजी से निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी तेजी से फाइलें हमारी हो सकती हैं क्लियर हो जाए और सभी का बराबर बराबर निकल जाए। तो नहीं इधर आते आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो आप 10 से 12
जल निगम द्वारा वार्ड के अंदर हमारे और उस क्षेत्र में झूल बना के शिविर लाइन पाई जा रही है। दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि 2 साल होने जा रहा है और स्थिति ये हो रही है कि किसी भी गली को पूर्ण रूप से इस तरह का उन्होंने नहीं बनाया कि कोई आदमी अपने घर तक जा पाए। दबाव देने के बाद उन्होंने जो तो सड़कें सही की इस बरसात में वो बैठ गई।
सर्कुलेशन में फाइल है और इनमें से जो सड़क और नाली वाले सारे कामों के टेंडर हो चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है, कुछ जगह काम चालू हुआ है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपने डेट पूछी है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज 7 तारीख है और एक वीक मतलब 15 अगस्त तक हम कोशिश करेंगे कि हमारे सभी वार्डों में जहां जहां पे टेंडर हो गए वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं, काम स्टार्ट हो जाए। सदन की बातों को सुनाए और उसको ऊपर पहल करेंगे। मैं पार्षदों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना ही शांतिपूर्ण आप सदन चलाएंगे उतना ही नगर निगम आपके कामों को प्राथमिकता के आधार पर कराएगा। और जब बातें बोलने के बाद भी मंच तक नहीं आती है तो आगे के विकास में बाधा होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सदन शहर के विकास में चाहे वो किसी दल और पार्टी से जुड़ा हो, ये सबका समय है, सबको मिलजुल करके बिना किसी एक दूसरे पर आरोप लगाए शहर के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। और मैंने इसकी पहल की है और ये कहां तक सफल है इसका तो जजमेंट काफी लोग हैं। तो ऐसा चीजें होंगे, अब आज शहर में जो विकास दिख रहा है, जो वातावरण दिख रहा है, अच्छी हवा बह रही है, इस सबके हम लोग प्रत्यक्षदर्शी है, देख रहे हैं। कानून व्यवस्था ठीक रहती है, अपने अंदर सदन में डिसिप्लिन रहेगी तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन है बिना भेदभाव का सबका काम करो। कि जब मौका आवे तो जनता की सेवा में जुटिए, नाम के चक्कर पत्र से काम करने वाले का नाम अपने आप होता है। अच्छे ढंग से सदन चलाने के लिए सभी पार्षदों को आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा व्यवस्था दे सके और आने वाले समय में जो मैं करना चाहता हूँ जिस पर जब तक भी रहूँगा यहाँ ऊपर वाला रखेगा, जो हमने क्या पूछा है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मेनली मेरे हर एक्ट में सिर्फ एक चीज़ होती है, वो है नगर निगम। कैसे मैंने मेरे साहब से जितनी बार ये बातें हुई हमने कहा सब मेरा सिर्फ एक ड्रीम है कि नगर निगम गोरखपुर नंबर एक पहुंचे। कई चीजों में मैंने कानपुर नगर निगम को नंबर एक पे ले लिया था, प्रयागराज को ले लिया था, अब एक मौका मिला। और अपने साथियों के वो सबके बारे में देखिए, परिवार जहां होता है चार बर्तन होते हैं, बर्तन खड़ते हैं। जैसे आप हमारी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हो या लगता है कि सर, उसी तरह हम भी आपकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन एक परिवार है। कल को कुछ दो बात आप कहोगे, हम दो बात आपको बताएंगे, मिलके हम लोग बैठ के सामंजस्य बनाते हुए एक बढ़िया विकास का काम करेंगे। तो मैं अपनी चार भाइयों को जो हमारे आलोक भाई हैं बहुत कविता वक्त सुनाते हुए इनके लिए मैं भी तैयारी करके आया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ऐसे ही व्यवहार बना के रहिएगा है, अभी आपके लिए सुना रहा हूँ। आज नगर निगम
बोर्ड की बैठक थी, इसमें हमारे पार्षदों ने बड़े गंभीरता के साथ विचार विमर्श किया और सब लोगों ने मिलजुल कर शहर को अच्छी व्यवस्था देने का निर्णय लिया गया, जिसमें सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पथ प्रकाश, पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ों पर बृहद चर्चा हुई। आगे नगर निगम की फाइनेंशियल मजबूती के लिए HDFC से MOU किया जा रहा है 200 करोड़ रुपए का, जिससे नगर निगम की जितने भी यहाँ भूमि है, जो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उस पर निर्माण करके नगर निगम की आय बढ़ाई जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की मंशा है कि हर स्थानीय इकाइयाँ अपने पैरों पर खड़ा हो, इंडिपेंडेंट हो, वो किसी सरकार पर बोझ नहीं बने, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम ज़्यादा जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे पाएंगे। इन सबों पर चर्चा हुई। कोरोना काल में हमारे पार्षदों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, घरों तक दवा पहुंचाया है, छिड़काव कराया है, कमजोरों को राशन दिया है, इस पर भी चर्चा की गई। इसके लिए सभी सम्मानित पार्षदों को सम्मान किया गया, उनको धन्यवाद दिया गया। साथ ही साथ ओलंपिक में जो भी गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे हमारे खिलाड़ी, हमारे भारत का गौरव बढ़ाएंगे, उनको नगर निगम की तरफ से 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया, जो उन्हें दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा इसका निर्णय हमारी कार्यकारिणी करेगी। इस तरह से इस सदन की बैठक सौहार्दपूर्ण वार्तापूर्ण में संपन्न हुई और शहर के विकास के लिए सभी लोगों ने अपने अपने बातें रखे, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जल्द ही उसको ज़मीन पर उतारेंगे।